हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बात करेंगे रक्षित शेट्टी का अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म 777 चार्ली के बारे में, जिसका ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है और ये अभी कनाडा, तेलुगू और हिंदी लैंग्वेज पे ये ट्रेलर अभी अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं 777 चार्ली ट्रेलर कैसा हुआ और इसके बाद ही बात करेंगे इस ट्रेलर को लेकर। मेरा नाम है धर्मा। ओए धर्मा, अधर्मी है तू। जिंदगी में कभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। देखो आदि, अगर तुम नहीं खाओगी तो हिटलर मामा तुम्हें ले जाएंगे। पर लोगों का नजरिया कुछ अलग। बाल बच्चे होते तो पता चलता। घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, बस यही है जिंदगी मेरी और कुछ नहीं। इसको तो कुत्ता भी नहीं पूछने वाला। मेरे पास अडॉप्शन के बहुत कॉल्स आते हैं, उनमें से ही किसी को बसा कर तुम्हें बता दूंगा। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, टॉर्चर कर रखा है इसने। डॉग लाइसेंस होगा तो काम जल्दी होगा, इसलिए। खाना क्या खिलाते हो? इडली। कुत्ते को सिर्फ इडली खिलाते हो? साथ में चटनी भी। तू इसे घर से बाहर निकालता है कि हम सब लोगों को मिलकर तुझे ही कॉलोनी से बाहर निकालना पड़ेगा। आप अपने कुत्ते की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हो, ऐसा कंप्लेन मिला है। कैसे अंदर आया? साहब, ये पुलिस के पीछे पीछे भागते हुए आया है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। टुडे इज चार्लीज। यू एंड चार्ली हैव बेस्ट एक्सपीरियंस। टेल ऑफ धर्मराज इन कलयुग। आगे लैंडस्लाइड हुआ है, पीपल हैव डाइड। ये सब नहीं जानता मैं। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। कितना प्यार करती हूँ उनसे। अनदर मास्टरपीस मूवी लोडिंग फ्रॉम रक्षित शेट्टी। रक्षित शेट्टी का मूवी मतलब आप लोगों को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये 777 चार्ली का जो टीज़र रिलीज़ हुआ था उससे ही पता चला था कि शायद हम लोगों को कुछ नया अंदाज में कुछ नया कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेलर था इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट विल गिव यू गूज बम्स, इट विल मेक यू इमोशनल एज वेल एज इट विल मेक यू हैप्पी टू। और आई एम डैम श्योर जिन लोगों के पास एक पेट है दे विल बी कम्प्लीटली रिलेटिंग विद दिस मूवी विद दिस टू कैरेक्टर्स ऑल्सो। बहुत बहुत इमोशनल एक बॉन्डिंग दिखाया ट्रेलर पे। तो इस ट्रेलर पे जिस तरीके से पूरे सीन दिखाया कि रक्षित शेट्टी का जो लाइफ है वो बहुत ही केयरलेस टाइप का नेचर है, कुछ उनको अच्छा नहीं लगता, इट्स डिपेंडिंग ऑन इडली डोसा सिगरेट बियर एज इज सेड इन द ट्रेलर, उसी समय उसके जीवन पे एक डॉग आएंगे चार्ली और इसके बाद हाउ हिज लाइफ विल चेंज, हाउ चार्ली एंड ही विल कम क्लोज टू इच अदर और
जो ट्रेलर पे जिस तरीके से दोनों का बॉन्डिंग दिखाया, एक कैसे वो चार्ली रक्षित शेट्टी के एम्बुलेंस के पीछे भाग रहे थे कैसे, या फिर रक्षित शेट्टी चार्ली को बचाने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम एवरी सिचुएशन, जिस तरीके से पूरे सीन यहाँ पे दिखाया सच में बहुत बहुत इमोशनल था। स्पेशली इसका स्टोरी बहुत रियलिस्टिक होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इट्स अ रिलेशन शोन बिटवीन द पेट एंड द ओनर ऑल्सो। यहाँ पे जो स्टोरी है वो तो एक रोड एडवेंचर टाइप तो यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग मेन एस्पेक्ट है इस फिल्म के। और रक्षित शेट्टी का जो परफॉर्मेंस था वो सच में बहुत बहुत कमाल का था, बहुत इम्प्रेसिव था। साथ ही साथ यहाँ पे चार्ली का जो कैरेक्टर वो डॉग ने निभाया बहुत अच्छे से, यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ट्रेंड लगता है। और दोनों का यहाँ पे जो ऑन स्क्रीन कैमरा पे जो बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे वही मेन एस्पेक्ट होंगे फिल्म पे। साथ ही साथ इस ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था एक अलग वाइब देंगे आप लोगों को, सीरियसली इट विल गिव यू चिल्स व्हेन यू विल वॉच दिस ट्रेलर बाय पुटिंग योर हेडफोन्स, अलग वाइब में आप चले जाओगे। तो ट्रेलर मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा, लाइक सच में जो लोग पेट नहीं लेते हैं वो ये ट्रेलर देखने के बाद दे विल लाइक चलो एक चार्ली जैसा एक पेट ले लेते हैं, इतना अच्छा यहाँ पे ये ट्रेलर दिखाया। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, ये एक नेक्स्ट लेवल का मूवी होने वाला है डेफिनेटली। अगर ये पैन इंडिया तो रिलीज हो गया तो आई विल ट्राई टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि रक्षित शेट्टी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट। तो अगर आप लोगों ने 777 चार्ली का ट्रेलर देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।